हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को पहले ही देख चुके हो, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है और आपको पता है कि आपको और कुछ जानकारी लेने की जरूरत इसके बारे में नहीं है, तो आप इस वीडियो को जो है वो छोड़ सकते हैं। बट जिनको नहीं पता है वो वीडियो को पूरा देखेगा। तो ये नोटिफिकेशन आया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। इनमें डिफरेंट डिफरेंट जो है बी सी डी आपकी कैटेगरी में पोस्टें निकली हैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और डेली बेसिस पे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट की। तो 5/6/2020 से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 26/6/2020। यानी कि जिन लोगों ने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है वो इसको भर सकते हैं, या फिर आप अगर इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल है तो आप इनके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। अप्लाई आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरी वेबसाइट दी गई है www.recruitment.hpushimla.in, या फिर आप www.hpuunib.ac.in पर जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इस वेबसाइट को खोल कर देख रहा था, ओपन करके देख रहा था, तो ये भी वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत इसके ऊपर लोड है। बट आप जो है ट्राई कीजिएगा अगर आप इस पे फॉर्म भरना चाहते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी बी पोस्टों के बारे में। तो इसमें जो है लाइब्रेरियन की है, लाइब्रेरियन में जो है वो जनरल की एक पोस्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी की पोस्टें हर कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट, मतलब हर सेक्शन के अंदर आपको हर कैटेगरी की पोस्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो लाइब्रेरियन में जैसे जनरल की एक पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में जनरल की दो पोस्टें हैं, ठीक है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला में जो है वो जनरल की एक पोस्ट है। तो ये लाइब्रेरियन वाली में सभी में जो है वो जनरल की एक पोस्ट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसकी बात करें तो द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1-3 शैल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूजीसी अंडर रेगुलेशन 2018 एंड अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी वाइड नोटिफिकेशन नंबर। तो इस नोटिफिकेशन नंबर को आप चेक कर लीजिएगा। मैं चेक कर रहा था बट वेबसाइट जो है वर्क कर नहीं रही थी, या फिर आप नीचे की जो वेबसाइट है इसको खोलकर देख लीजिएगा। तो इतना सा काम आप कर लीजिएगा, बाकी पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो ये लाइब्रेरियन का है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेन मेन चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है नेक्स्ट मेडिकल ऑफिस डेंटल। तो इसमें जनरल की एक पोस्ट है, और बैचलर डिग्री अगर आपके पास डेंटल सर्जरी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप रजिस्टर भी होने चाहिए स्टेट डेंटल काउंसिल। तो इसकी अगर पे स्केल की बात करें 15,600 से 39,100 प्लस 5,400 ग्रेड। उसके बाद मेडिकल ऑफिस एलोपैथी ऑफिसर, एलोपैथी का जनरल ए पोस्ट है इसमें भी जनरल की, और यहाँ पर भी मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब सेम फील्ड में आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इतना तो आपको भी पता होता है, आप लोग भरते आए हो। असिस्टेंट आर्किटेक्ट जनरल की एक पोस्ट है, पे स्केल 15,600 से 39,100, ठीक है। डिग्री चाहिए सेम फील्ड में, और आपको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द डिग्री। जब आपने डिग्री कर लियो उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ जनरल की एक पोस्ट है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। या तो आपको इसमें चाहिए, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, यानी कि जर्नलिज्म से रिलेटेड अगर आपने कोर्स वगैरह किए हैं तो आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट को भर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है, यूआईटी जनरल की एक पोस्ट है। सेम अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने मास्टर डिग्री करी है फिजिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स इनमें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर और 1 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए सिंपल सा, अगर आप सिस्टम एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर अगर आपने एमएससी वगैरह किया है फिजिक्स मैथमेटिक्स में, और साथ साथ जो है वो आपने पीजीडीसीए किया है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर साथ में और भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो टोटल 2 पोस्टें हैं, एससी की एक है और ओबीसी की एक है। इसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं है। पे स्केल जो इसका 10,300 से 34,800 प्लस 5,000 ग्रेड पे रहेगी। एमसीए और बीई बीटेक डिग्री अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में कंप्यूटर साइंस में की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बी लेवल कोर्स किया है DOESCC, ठीक है, जो भी होता है, और आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत कम लोग करते हैं, अगर आपके पास डिग्री वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो ये बी कैटेगरी की पोस्टें थी जिसमें से बहुत कम लोग जो है आप में से इसको भरेंगे, क्योंकि जो मेन चीजें हैं जिसका मुझे पता है कि मैं जो आप कैंडिडेट भरोगे वो आगे आने वाली पोस्ट है। कैटेगरी सी की अगर बात करें तो लॉ ऑफिसर है इसमें, जनरल की 3 पोस्ट है, सेम अगर आपने लॉ में डिग्री ली है, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मॉडल स्कूल जनरल की एक है, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी में जनरल की एक पोस्ट है, ठीक है। और सेम आपके अगर आपने लाइब्रेरी वगैरह में, लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आपने
ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मेन आती है आपकी क्लर्क की पोस्ट है जिसको आप लोग फिलअप कर सकते हो मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो इसमें टोटल 54 पोस्ट है, पे स्केल आपका 5,910 से 20,200 और 1,900 ग्रेड पे रहेगी आपकी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, रेगुलर नहीं है, रेगुलर आप 3 साल के बाद होते हो। जनरल की 25 है, ठीक है, जिनमें से आपकी नॉर्मल जनरल की 15 है, एक्स सर्विसमैन की 6 है, ठीक है, और बाकी पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की 8 है, एससी की 11 है, एसटी की आपकी 4 है और ओबीसी की आपकी 6 है, ठीक है। यानी कि सभी कैटेगरी की पोस्ट जो है वो क्लर्क वालों के लिए दी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है कोई भी, मतलब आप ग्रेजुएट हो, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में जो है आपके 25 वर्ड पर मिनट, या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे, मैक्सिमम करेंगे ही, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। फिर आता है आपका जेओए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। इसमें टोटल पोस्टें जो है वो 37 है, जनरल की 18 है इसमें, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। उसके बाद जनरल के बाद इसमें ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 7 है, ओबीसी की 8 है और एसटी की 1 है। यानी कि एसटी की जो है सिर्फ एक्स सर्विसमैन की है, बाकी आपकी सभी इसमें जो है कैटेगरी की पोस्टें दी गई है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात क्या करें तो +2 अगर आपने की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने मैट्रिकुलेशन की है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास 1 और 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, आपके पास आईटीआई अगर आपने की है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। वही आपके पास कंप्यूटर वगैरह आपको आना चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो ये दोनों पोस्टें आपके फेवर की हैं, ठीक है, आप इसको भर सकते हो। फिर आता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की, तो टोटल 4 पोस्टें, जनरल की 3 और एससी की 1, ठीक है। पे स्केल आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपने बीकॉम की है 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 50% मार्क्स अगर आपने बीकॉम की है। अगर आपने की है एमकॉम, तो अगर आपने बीकॉम को सिंपल क्वालिफाई ही किया है और आपने साथ में बी एम कॉम भी करी है और आपने बी कॉम को सिंपली क्वालिफाई किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर तो आपने सिंपल बी कॉम ही की है, आपने एम कॉम नहीं की है, तो आपके होने चाहिए 50% मार्क्स अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। बट अगर आपने बी कॉम भी की है, एम कॉम भी की है, तो अगर आपने बी कॉम पासिंग मार्क्स से भी की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ रखी गई है, ठीक है, अगर आपको टैली वगैरह आता है, बट नहीं भी आता तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लैंग्वेज टीचर की बात करें तो एलटी एचपीयू मॉडल स्कूल, ठीक है, जनरल की एक पोस्ट है। अगर आपने बीए की है हिंदी और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप बीए विद 50% मार्क्स हिंदी में, ठीक है, और 1 साल की आपने बीएड की है, ठीक है, या फिर आपके बीए में है 45% मार्क्स और 1 साल की आपने बीएड की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपने बीए की है 50% मार्क्स के साथ और 1 साल की बीएड वगैरह की है कुछ भी साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई आराम से कर सकते हो, ठीक है, एलटी वगैरह के लिए। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं, वो है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर। जनरल की 3 पोस्ट है, अगर आपने +2 की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ्स का आपने कंप्यूटर का, ठीक है, तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल, टोटल पोस्टें 7 है, जनरल की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है, इसमें एसटी की पोस्ट नहीं है। अगर आपने +2 की है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का, या फिर आपने बीए बीटेक डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, +2 तो होती है, ठीक है, और अगर आपने डिप्लोमा भी किया है या फिर आपने बीटेक वगैरह की है सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि सिविल की पोस्ट निकली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें इलेक्ट्रिकल में, तो टोटल 3 पोस्टें हैं जनरल की, और सेम फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कंडक्टर, टोटल 2 पोस्टें हैं आपकी, एससी की 1 है और ओबीसी की 1 है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी पोस्टें, और आपकी कंडक्टर के लिए +2 अगर आपने पास की है और आपको कंडक्टर आपके पास वैलिड लाइसेंस जो है वो होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एचआरटीसी वाले कंडक्टर नहीं है, ठीक है, वो मत सोचिएगा। जेबीटी की बात करें तो टोटल 2 पोस्टें हैं, जनरल की 1 और 1 आपकी एक्स सर्विसमैन की। अगर आपने +2 की है 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी, और या फिर आपने 2 साल का आपने जीबीटी टीचर कोर्स किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं पूरी। ड्राइवर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है, एससी की ही है, और मैट्रिकुलेशन अगर आपने की है और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, ठीक है, और 3 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हाइट भी दी गई है, 160 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी होनी चाहिए।
ठीक है, हैवी व्हीकल का ड्राइवर, लाइट व्हीकल का टोटल 5 पोस्ट है, जनरल की एक, ईडब्ल्यूएस की एक, ओबीसी की एक, एससी की एक और एसटी की। ठीक है, आपकी 10th पास होनी चाहिए और आपके पास हैवी लाइट व्हीकल जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। नर्स मिडवाइफ, ठीक है, इसकी एक पोस्ट है, इसमें आपने अगर मैट्रिकुलेशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी डी आती है आपकी पीएन की, तो पीएन की इसमें टोटल 92 पोस्टें निकली हैं। ठीक है, और ये आपकी डेली वेजेस पर है और रेट जो होंगे वो भी, जो आपके सैलरी के रेट होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। तो जनरल 41 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं, एससी की 20 हैं और एसटी की 5 हैं, ओबीसी की 16, यानी कि सभी की आपके पास यहाँ पर पोस्ट हैं। और अगर आपने मैट्रिक आपने सिंपल सा जो है वो 10th पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चौकीदार डेली वेजिस पर है, टोटल 28 पोस्ट हैं, जनरल की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 6 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 5 है। ठीक है, और इसके लिए भी अगर आपने मैट्रिक की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। माली की टोटल 7 पोस्ट हैं, जनरल 4, ईडब्ल्यूएस 1, एससी 1 और ओबीसी 1, तो ये भी 10th बेस पर है। ठीक है, उसके बाद आती है बेलदार, मैस हेल्पर जो मैस वगैरह होती है, ठीक है, और सिवरमैन, ये सारी आपकी डेली वेजेस पर है। बेलदार की 2 पोस्ट हैं, इसकी मैस हेल्पर की 6 है, सिवरमैन की 3 है और इनमें सिंपल सा अगर आपने 8th पास की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी पोस्टें थी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है डिटेल में थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, जब अप्लाई करोगे आपको तब भी पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एज की, तो यहां पर 18 से 45 साल तक एज आपको पता है सभी में रहती है। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कैटेगरी बी जो है वो आपके लिए, उसके लिए फीस है 2,000 रुपये। ठीक है, कैटेगरी सी और डी है उसके लिए है 1,200 रुपये। ठीक है, बात करें एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, ओबीसी ऑफ एचपी, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी, बीपीएल ऑफ एचपी, ठीक है, ये सभी कैटेगरी बी के लिए 1,000 रुपीज है और कैटेगरी सी और डी के लिए 600 रुपए। एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, ठीक है, तो और बाकी जो आपके विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए, या फिर डिफेंस सर्विसेज हैं वो आर रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही है कि सिंपल सा है कि आप जो है वो ऑनलाइन दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है किस तरह से आप अप्लाई करोगे, उसके बारे में मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।